जनाब सदर साहब, असातिज़ा, सामईन अकराम और मेरे मदरसे के साथियों, आज मुझे इस मौजू पर बोलने का शर्फ हासिल हो रहा है। वो है बेटी, याद रखना बेटी रब की रहमत होती है और रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। दुनिया ही से बात है कि और जब बेटा पैदा होता है तो दुनिया वाले कहते हैं बाप की विरासत का वारिस पैदा हुआ है, और जब बेटी पैदा होती है तो लोगों के मुंह पर 12 बजने लगते हैं। आगे चलकर क्या होता है, बेटा विरासत बांट लेता है, बेटा माल बांट लेता है, लेकिन जब दुख दर्द की बात आती है तो बेटी याद आती है, जब खिदमत की बात आती है तो बेटी याद आती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि और जब बेटा पैदा होता है तो उसे मैं कहता हूँ, मुझे खुदा होने की कसम, मैं तेरे बाप का खुद बाजू हूँ। और जब बेटी पैदा होती है तो उसे मैं कहता हूँ, मुझे खुदा होने की कसम, मैं तेरे बाप का खुद बाजू हूँ। हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला से पूछा, ऐ परवरदिगार, जब तू अपने बंदे पर खुश होता है तो उसे क्या इनाम फरमाता है? मैं उसको, ऐ मूसा, जब मैं अपने बंदे पर बहुत ही खुश होता हूँ तो उसे तेरी सी बेटी अता करता हूँ। दो जहानों के रब ने फरमाया, ऐ परवरदिगार, जब तू अपने बंदे पर खुश होता है तो उसे क्या इनाम फरमाता है? दो जहानों के रब ने फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं अपने बंदे पर खुश होता, बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ तो ऐसे दूसरी बेटी अता करता हूँ। तीसरी बार फिर पूछा, ऐ परवरदिगार, जब तू अपने बंदे पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है तो उसे क्या इनाम फरमाता है? दो जहानों के रब ने फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं अपने बंदे पर बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ तो और मेरी कोई खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती तो उसे तीसरी बेटी अता करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तालियां मारो सब।